प्रदेश में लॉकडाउन पार्ट 3 लागू होने के साथ ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग जरूरी सामान की खरीदारी के लिए दुकानों पर नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन बनाकर अलग अलग छूट के पैमाने तय किए गए हैं, लेकिन ये छूट शर्तों के आधार पर ही दी गई। वहीं बात अगर जयपुर की करें तो प्रदेश की राजधानी को रेड जोन में शामिल किया गया है, लेकिन कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों से बाहर के क्षेत्रों को कई छूट दी गई है। हालांकि सरकार की छूट के बाद भी बाजार में कम ही दुकानें खुली हैं और इसी बीच लॉकडाउन पार्ट 3 की छूट के बाद हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। देश भर में लॉकडाउन 3.0 लागू हो चुका है। जोन वाइज केंद्र सरकार की ओर से छूट दी गई है। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन बनाकर कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन में यह छूट दी गई है। लेकिन अभी हम खड़े हैं जयपुर में, जहां पर आप देख सकते हैं लॉकडाउन के तहत तो रेड जोन में छूट दी गई है। फिलहाल जयपुर रेड जोन में शामिल है। रेड जोन में कुछ राहत लॉकडाउन 3.0 के तहत दी गई है। हालांकि जो जरूरी सामान है उनकी दुकानें पहले से ही खुलने के आदेश दिए गए थे। अभी रेड जोन में जिस तरह की छूट दी गई है उसमें हालांकि जो शॉपिंग मॉल और मार्केट है वो खुलने के आदेश नहीं है, लेकिन जो जरूरी सामान हो या मार्केट जिनमें गैर जरूरी दुकानें हैं वो भी अभी खुलना शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं जो लोग शॉपिंग के लिए पहुंचे हैं वो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और जो सरकार की लॉकडाउन के तहत जो गाइडलाइन है उसकी पूरी पालना कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आज खरीदने पहुंचे हैं आप, राहत मिली है? बिल्कुल साहब, राहत मिली है। बहुत दिनों से बंद बैठे हुए थे घर में, आपको सामान के लिए जो जरूरी सामान है वो लेने के लिए आए हैं। गैर जरूरी की भी कुछ छूट हालांकि सरकार ने दिया, पर कुछ अधिकांश दुकानें खुल नहीं रही हैं। देखिए, गैर जरूरी में अभी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा जरूरत लग नहीं रही है। जो सामान जैसे पंखे या बिजली का कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी सामान है, मेरे हिसाब से लोगों को वही लेने निकलना चाहिए, बाकी नहीं निकलना चाहिए। यहाँ देखने में आ रहा है कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, सरकार की जो गाइडलाइन है मास्क भी लगा रहे हैं, पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। पब्लिक भी अवेयरनेस हो गई है? हाँ, पब्लिक अवेयर हो गई है और ये अवेयरनेस बनी रहे कुछ समय तक तो ज्यादा अच्छा है। मैंने भी 2 मास्क लगा रखे हैं, मास्क के ऊपर मास्क है। बिल्कुल, तो पब्लिक पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है। अभी और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या खरीदने लिया है भाई साहब? तेल का पीपा। कितनी जरूरत थी, आज राहत मिली है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप पूरी तरह से कर रहे हैं, सरकार ने जो राहत दी? हाँ, कुछ तो फर्क पड़ा है, लेकिन जरूरी सामान था वो तो पहले भी मिलता था, राशन वगैरह, और जो जरूरी नहीं है उसकी तो अभी जरूरत भी नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, साथ ही लॉकडाउन के जो तहत जो सरकार की गाइडलाइन तय की गई है उस गाइडलाइन की भी पूरी पालना लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग जो दुकानों के बाहर खड़े हैं पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल दूर दूर खड़े होकर सामान ले रहे हैं। साथ ही जो दुकान मालिक है वो भी पूरी तरह से गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। 2 सेल्समैन और उनके अलावा 2 हेल्पर दुकान के अंदर भी आपको दिख रहे होंगे। पूरी तरह से जो कस्टमर आए हैं उनको सामान लेकर बाहर ही दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जा रही है। पब्लिक भी पूरी तरह से, ये कहा जा सकता है कि पब्लिक भी पूरी तरह से अवेयरनेस हो गई है। साथ ही सरकार का भी यही प्रयास है कि कोरोना से कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए पब्लिक का पूरा सहयोग भी सरकार को दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजयगिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV जयपुर।